सोशल साइट्स पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। गिरिराज सिंह भी सोशल साइट्स पर मोदी से नजदीक हैं। एक तरफ जब दिल्ली में होने वाली जेडीयू की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर और भी गहरी सहमति बननी है, वहीं पशुपालन मंत्री गदगद हैं कि सोशल साइट्स पर नरेंद्र मोदी को युवा खूब पसंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षण है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एक नरेंद्र मोदी एंड्रॉइड ऐप करके बना हुआ है, अब वो लोग पागल की तरह उस साइट पर जाते हैं। यानी लोगों को लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है, जो बातें हैं, वो हम वहाँ तक कम्युनिकेट करें। एक अच्छा माध्यम है और एक सुखद है कि इनके प्रति करोड़ों युवक का आकर्षण होना, इनके साथ जुड़ना। नीतीश कुमार और शरद यादव सहित पूरा जेडीयू नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो बिहार में गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के बड़े पैरोकार के रूप में पक्ष में कई तर्क दे रहे हैं। वे कहते हैं कि बिहार के जिस गांव में वे जाते हैं वहां नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। मोदी के सवाल पर वे विरोधियों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि सीधे चुनाव हो तो रिजल्ट साफ हो। मैं बिहार में किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मैं कहूं कि अगर आज देश में सीधे प्रधानमंत्री का अगर चुनाव होता तो ये रिजल्ट साफ था। नीतीश कुमार की रणनीति है कि बीजेपी के साथ रहो और नरेंद्र मोदी का विरोध करो, पर गिरिराज सिंह को इससे क्या, वे तो व्यस्त हैं नरेंद्र मोदी के साथ सोशल साइट्स पर। नरेंद्र मोदी का पक्ष लेने के तमाम खतरों को फायदों को जानते समझते हुए कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत, आर्य न्यूज पटना।